अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक का सलूशन चल रहा है। हम क्वेश्चन का सलूशन करें उससे पहले अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो इट्स पे आपने क्या करना है, अपना नाम, क्लास और सिटी का नेम लिख के सेंड कर देना है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आएगा, उसके अंदर क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिंक होंगे। आप अपनी जोन सी भी क्लास हो उधर से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके अलावा इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अक्सर बच्चे वहां से ज्वाइन नहीं हो पाते तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी, और ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा और ज्वाइन कर देंगे। और उसके अलावा मैंने एक वेबसाइट बनाई है jamesprotips.blogspot.com, जिसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, नोट्स अवेलेबल करता हूँ न्यू बुक्स के तमाम सब्जेक्ट के। तो ये विजिट करके यहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड या पढ़ सकते हो। उसके अलावा मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने सिंध बोर्ड अकेडमी का बनाया हुआ है, अब वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी एजुकेशनल न्यूज या कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी जाएंगी तो उधर शेयर किया जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो यहां पे आके इसको करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से एमसीक्यूज की हद तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज के अलावा ई के पॉइंट व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपका एक कॉन्सेप्चुअल जो है ना उसको बताती है कि आपका कितना कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू सर्कल एंड हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, यानी कि कॉनिक सेक्शन से आपका क्या कॉन्सेप्ट है, वो कितना अच्छा है, वो चीज़ बताता है। तो इसी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा ताकि आप हर जगह इसको टैकल कर सकें। तो फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, डिस्क्राइब द कंडीशन अंडर विच अ प्लेन कट्स राइट सर्कुलर कोन टू प्रोड्यूस सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड डीजनरेट कॉनिक। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कंडीशन बताएं कि जब एक प्लेन है कट करता है राइट सर्कुलर कोन को, और ये पोजीशन यानी कि ये जो कर्व्स हैं ये कर्व प्रोड्यूस होते हैं, कर्व को बेसिकली सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, डीजनरेट कॉनिक हो, ठीक है ना बेटा, ये कंडीशन बतानी है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले जो बात हमें पता होनी चाहिए वो राइट सर्कुलर कोन क्या होती है, जरा उसको देख लेते हैं। तो भाई राइट सर्कुलर कोन आपको इस तरीके से समझ आ जाएगी, भाई कोन क्या होती है, आइसक्रीम खाते हो ना, आइसक्रीम के अंदर ये आपको कोन देते हैं, तो भाई उसी कोन को हम यहाँ पे जरा ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी बेटा। तो इसको मैं यहाँ पे यूं कर लेता हूँ और यहाँ पे जरा ये कर लेता हूँ, ठीक है जी बेटा। अब यहाँ से मैंने ये एक सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर कोन कहा गया है तो सर्कुलर कोन बना दी, सही है जी स्टूडेंट। फिर इसके बाद में इसको, ये आपके पास इसको देखेंगे ये कोन है, और इसी की रिवर्स हमने बना ली, ये पैरालल कोन हो गई, ठीक है जी बेटा, मतलब इसी के डबल वो बना दिए, ये आपके पास एक कोन बन के आ गई है, ये डबल कोन लेकिन ये कोन आ गई। अब इसके बाद इस कोन के अंदर ये जो कोन है, इस कोन के अंदर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, सही जी बेटा। और इस वर्टेक्स से ये जो लाइन गुजर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन, सही जी बेटा, क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ये कोन तो चलो समझ आ गई, लेकिन राइट सर्कुलर कोन क्यों कह रहे हैं। तो भाई राइट सर्कुलर कोन बेसिकली इसको इस कॉन्सेप्ट पे कह रहे हैं कि इसका ये जो बेस है, इसका जो एक्सिस है, वो उस बेस से क्या बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, इसीलिए इसको हमने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया कि राइट सर्कुलर कोन है। हम चाहते तो भाई कोन को यूं भी ले जाओ, नहीं भाई इस तरह कोई कोन नहीं बनाओ, आपको बोला गया कि राइट सर्कुलर कोन लो, उसको ऐसी कंडीशन बताओ कि ये जो कर्व है वो निकले। सबसे पहले आपको राइट सर्कुलर कोन समझ आनी चाहिए कि सर्कल के अंदर कोन होती है, ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई आगे नहीं चीज़ बनती, वो एक पॉइंट होता है, उसको हम वर्टिस कहते हैं, और उसको हम वी से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इस वर्टिस के ऊपर से जो लाइन गुजरती है उसको हम एक्सिस ऑफ कोन कहते हैं। ये बात आपको ज़रूर समझ आनी चाहिए, सही जी बेटा। अब इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिस्क्राइब करो ऐसी कंडीशन को अंडर विच अ प्लेन कट राइट सर्कुलर कोन टू प्रोड्यूस दिस कर्व, यानी कि ये करें, अब ये राइट सर्कुलर कोन है, अब इसको ऐसी पोजीशन पर कट करो कि आपके पास ये कंडीशन निकल गया है। तो भाई इसको मैंने इन डिटेल अच्छे तरीके से इसको मैंने क्या किया था, आपको समझाया हुआ था इंट्रोडक्शन की वीडियो में, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो उधर जाके देख लेना, आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये चीज़ कैसे बन रही है और अच्छे तरीके से समझना है तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में अगर नहीं देखी तो देख लेना। फिलहाल आ जाओ यहाँ पर स्टूडेंट, हमें कहा गया है कि भाई ये एक सर्कुलर कोन है, ठीक है जी बेटा, ये सर्कुलर कोन मैंने यहाँ पे बना ली है, सही जी, सर्कुलर कोन बना ली है। मुझे कहा गया कि ऐसी कौन सी कंडीशन है कि मेरे पास सर्कल बनेगा, तो भाई सबसे पहले देख लो सर्कल मेरे पास कब बनता है, कि जब मैं राइट सर्कुलर कोन को क्या करता हूँ,
क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ कौन से, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ कौन क्या है मेरे पास, ये है, परपेंडिकुलर एक प्लेन काटता हूँ तो मेरे पास सर्कल निकल कर आता है, ठीक है जी बेटा। तो लिहाजा इसको फिलहाल हम यहाँ पे साइड पे करते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्वेश्चन नंबर वन कर रहे हैं, ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर वन कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर वन है, हमें सर्कल बनाना है। तो भाई सर्कल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्कल बनाने के लिए हम जो हमारे पास कोन होती है उसको परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर कट करते हैं, ठीक है जी बेटा, एक्सिस ऑफ कोन से। तो लिहाजा कोन सर्कल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लेन, ठीक है जी, वो प्लेन जो होगा बेसिकली ये प्लेन है ना, ये जो कट कर रहा है ये प्लेन कट, ठीक है जी, कट परपेंडिकुलर, ठीक है जी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ठीक है जी बेटा, एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस ऑफ कोन से जब परपेंडिकुलर कट करेगा जो जो शेप बन के आएगी, जो कर्व बन कर आएगा वो क्या होगा, सर्कल होगा, सही जी बेटा। तो क्वेश्चन में आपको यही कहा गया था कि आपको कंडीशन बतानी है कि जब एक प्लेन कट करता है राइट सर्कुलर कोन को तो ये सर्कल की शेप, पैराबोला की शेप, इलिप्स की शेप, हाइपरबोला की शेप कब बन कर आती है। तो ये एक राइट सर्कुलर कोन है, आपने को क्या करना है, एक्सिस ऑफ कोन के क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 का एंगल बनना चाहिए एक्सिस ऑफ कोन से और इस प्लेन का। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, 90 का एंगल यानी कि परपेंडिकुलर, इसको काटा तो आपने जब वो कैप उठाया तो अंदर आपके पास एक सर्कुलर शेप बन जाएगी। तो आप लिख सकते हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन को जब आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कट करेंगे विद द एक्सिस ऑफ कोन से, तो आपके पास एक कोन निकल कर आएगी, ये पोजीशन, ये आपके पास कंडीशन है, सही ना बेटा, पहला काम हो गया। अब इसी तरीके से दूसरे नंबर पर आपको कहा गया था कि पैराबोला बताओ, सही जी बेटा, पैराबोला। अब पैराबोला क्या होती है, पैराबोला ये शेप लिखी हुई, पैराबोला शेप बेसिकली होती है कि जब आप एक कोन को क्या करें एट द एंगल ऑफ 45, या आपको अगर ये बात नहीं याद, मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में बताई थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी काइंडली देख लेगा, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपके मजीद क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई जब मैंने इतनी मेहनत की है तो क्यों ना आपका फायदा हो और अच्छे तरीके से समझो। तो भाई अगर अब मुझे पैराबोला बनाना है एक कोन से, तो मैं क्या करूँगा, वो जो कट करूँगा एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री पर अगर उस कोन को मैं कट करूँ उस प्लेन को, ठीक है जी बेटा, तो मेरे पास क्या आएगा, पैराबोला की शेप बन जाएगी। आपको कॉमन सेंस ही बात है, काटा और यहाँ से ये आपके पास एक कर्व निकल के आ रहा है और ये जो शेप है वो किसको बना रहा है, पैराबोला को प्रेजेंट कर रहा है, सही जी बेटा। तो लादा आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन या प्लान कट, ठीक है जी बेटा, व्हेन प्लान कट एट 45 डिग्री, सही जी बेटा, 45 डिग्री बोल सकते हैं, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं टिल करके, TILL टिल्ड, ठीक है ना, एट टिल्ड पोजिशन, ठीक है ना, टिल्ड पोजिशन टू दी एक्सिस, ठीक है बेटा, एक्सिस ऑफ कोन, एक्सिस ऑफ कोन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो वर्टिस से लाइन गुजरती है उसको एक्सिस ऑफ कोन कहते हैं। अगर इसको 45 डिग्री से काट रही होगी तो जो पोजीशन या जो कर्व निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे पैराबोला, कब, जब एक कोन को काट रहा होगा। अब आते हैं एलिप्स के ऊपर, ठीक है, एलिप्स, क्योंकि अगली यहाँ पे हमने एक सर्कल भी कर लिया, पैराबोला भी कर लिया, अब एलिप्स की बारी है, सही जी बेटा। तो तीसरे नंबर पर हमें कहा गया है कि एलिप्स बताओ, एलिप्स कब बनेगा, सही जी बेटा, तो एलिप्स, ELLIPS, एलिप्स, अच्छा जी, एलिप्स कब बनता है, एलिप्स हमारे पास जब बनता है जब एक्सिस ऑफ कोन से स्लाइटली टिल किया हो। पैराबोला में हमने टिल बोल सकते हैं या 45 डिग्री एंगल पे बोल सकते हैं, एलिप्स क्या होता है, स्लाइटली टिल हो जाए, प्लेन कट कर रहा हो, तो इधर हम लिख सकते हैं प्लेन कट, ठीक है जी, प्लेन कट SLG स्लाइटली टिल, TIL, ठीक है, स्लाइटली टिल किया हो। हमारे पास पैराबोला में 45 डिग्री एक एंगल था, लेकिन एलिप्स पे ऊपर स्लाइटली टिल हो, जिस तरह हमारे पास ये था ना, क्या कहते हैं, सर्कल में हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर था, थोड़ा सा टिल किया, हमने 45 एंगल पे नहीं लेके गए, स्लाइटली टिल किया है, तो उसके ऊपर हम जब काटेंगे तो हमारे पास जो कर्व निकल के आएगा वो इस तरह का ओवल शेप में आएगा, और ये जो ओवल शेप होती है ये एलिप्स होती है, ठीक है, प्लेन कट स्लाइटली टिल, ठीक है जी बेटा, टू दी एक्सिस ऑफ कोन, ठीक है, एक्सिस ऑफ कोन से स्लाइटली टिल करेगा। एक्सिस ऑफ कोन क्या होती है, आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि ये जो एक्सिस ऑफ कोन होता है, ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं, तो इससे स्लाइटली टिल करके अगर कट करेगा प्लेन तो वहां पे हमारे पास जो शेप बनेगी वो एलिप्स बनेगी, और एलिप्स की शेप ओवल की तरह होती है इस तरीके से। अब इन दी लास्ट तो नहीं, हम फोर्थ नंबर पे बोलेंगे, हमें क्या कहा गया है कि इधर कहा गया है हाइपरबोला बनाए, ठीक है जी बेटा। तो भाई हाइपरबोला इधर पहले लिख भी देते हैं, हाइपर बोला, अक्सर बच्चों ने अभी तक ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला नहीं पढ़े होंगे, टेंशन ना लेना, अगला अभी चैप्टर नंबर 9 होगा इंशाल्लाह, वहाँ पे इन डिटेल एक एक चीज़ को हमने पढ़ना है इनकी बड़े मज़े से, तो वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। सिर्फ अभी चीज़ें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो कि इस तरीके से होता है, ताकि जब हम आगे चल के इनके क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, ओके।
पुरानी वाली भी और नई वाली भी। अभी हमें हाइपरबोला बताना है। तो भाई हाइपरबोला कब बनता है कि जब हम एक राइट सर्कुलर कोन को काटें, हम बेसिकली इसको क्या काटेंगे, बिल्कुल पैरेलल एक्सिस ऑफ कोन क्या ये पैरेलल एक कट करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये जो कर्व बन रहे होंगे, सही ना, ये जो कर्व बन रहे होंगे इन कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की शेप में बने रहे होंगे, ये एक कर्व ये बना, एक कर्व ये बना, इस शर्प को हम बोलते हैं ये हाइपरबोला है। सही नहीं बेटा? तो हाइपरबोला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो प्लेन हम कट करेंगे, प्लेन कट क्या करेंगे, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल बिल्कुल करना पड़ेगा, प्लेन कट पैरेलल, ठीक है जी बेटा, प्लेन कट पैरेलल टू दी एक्सिस, ठीक है जी बेटा, एक्सिस ऑफ कोन से पैरेलल होगा, कट करेंगे तो वहां से जो कर्व बन के आ रहे होंगे वो हाइपरबोला होंगे। सही है ना भाई, इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, यहां तक हो गई। अब इन दी लास्ट हमें एक बात कही गई है, वो कही गई है कि आर डी जनरेट कॉनिक, ठीक है जी बेटा। अब ये बतानी है, तो इसको बताने के लिए अगेन यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई है। ये क्या है, ये मैंने एक राइट सर्कुलर कोन बनाई है, इसका एक्सिस ये रहा और ये रहा वर्टिस। अब मुझे बताओ कि एक डी जनरेट कोन यानी कॉनिक, यानी कि एक ऐसी कौन सी वो हो, क्या ऐसा इसको किस पोजीशन पे काटूं, किस कंडीशन पे काटूं कि यहां से मेरे पास डी जनरेट कॉनिक बने। डी जनरेट का मतलब कि कोई जनरेट ही ना हो कॉनिक, और डी जनरेट कॉनिक का मतलब कि डी जनरेट ही नहीं हो रहा कॉनिक। तो भाई कॉमन सेंस ही बात है, अगर मैं प्लेन को कहां से काटूं, एट वर्टिक्स से अगर एक प्लेन को बिल्कुल स्ट्रेट काट दूं, तो ये जो कटेगा एक पॉइंट पे कटेगा, वो जो पॉइंट होगा उधर से कोई भी कर्व जो होगा वो जनरेट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो एक पॉइंट है जिस पे वर्टिक्स हम कह सकते हैं। तो लादा पॉइंट लास्ट पार्ट जो है हमें कहा गया है, वो ये कहा गया है कि हमें क्या बताना है, आ डी जन रेट, ठीक है, डी जनरेट कॉनिक बनाना है, कि हमें ऐसी कंडीशन या ऐसी पोजीशन बतानी है कि जहां पे कोई भी कॉनिक ना हो रहा हो। तो उसके लिए हमने क्या किया कि प्लेन कट करेगा एट दी वर्टेक्स, सिंपल। तो यहां पे आप लिख दें प्लेन कट, ठीक है जी बेटा, प्लेन कट एट वर्टेक्स, ठीक है जी बेटा, वर्टेक्स ऑफ कौन, कौन के वर्टिस से कटेगा तो हमारे पास एक डी जनरेट कॉनिक, यानी कि कोई कॉनिक है वो जनरेट नहीं हो रहा होगा। सिंपल कॉन्सेप्चुअल आंसर देने थे इसके, ठीक है जी बेटा। उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। किसी किस्म की कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हुई तो कमेंट कर देगा, मैं जवाब दे दूंगा, मैं नहीं तो मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं वो आपको जवाब दे देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे दीजिएगा इजाज़त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सोल्यूशन की।